सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धर्म का उपदेश केवल वाणी से हो उसका प्रभाव 1% भी नहीं पड़ेगा, और वाणी से धर्म का उपदेश न हो आचरण से हो बोले उस उपदेश का 100% प्रभाव पड़ता है। और वाणी आचरण दोनों हो फिर तो क्या बात है, सोने में सुहागा। वाणी से भी और आचरण से भी धर्म का उपदेश। राम जी ने अपनी वाणी से और अपने आचरण से दोनों से समाज को उपदेश। राम जी ने केवल धर्म को का उपदेश नहीं किया अपितु आचरण भी करके दिखाया। चारों भाइयों के रूप में भगवान ने धर्म का आचरण करके जगत को उपदेश किया। और राम जी तो ऐसे भी वाणी से भी उपदेश करते हैं, आचरण से भी उपदेश करते हैं। 11,000 वर्ष तक राम जी ने अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके क्या किया है? केवल एक ही काम किया है राम जी, उपदेश किया है वाणी से। और वही उपदेश करते थे राम जी जो अपने जीवन में उतारते थे, जो उनके जीवन के आचरण में थे। सभी लोग उस धर्म का आचरण करते और उसका परिणाम बोले धर्म का आचरण करने के कारण प्रजा की रक्षा होती थी। राम जी किसी प्रजा की रक्षा नहीं करते, राम जी को जरूरत ही नहीं पड़ती। लंका से आने के बाद राम जी को अपने धनुष बाण की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, कहीं मार काट करने की राम जी को जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? बोले राम जी इतना सुंदर उपदेश देते थे, उनके उपदेश को सुनकर के लोग अपने धर्म का पालन करते थे। और जब व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तो उसके रक्षा की जरूरत नहीं होती, धर्म ही उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आनंद है। तो महाराज भगवान श्री राम अपने उपदेश के द्वारा अपनी प्रजा को धर्म में लगाए रखते और प्रजा अपने धर्म का पालन करती और धर्म के द्वारा सभी रक्षित होते, सबकी रक्षा। इसीलिए राम राज्य में कभी किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। राम जी के राज्य में कभी कोई स्त्री वैधव्य को प्राप्त नहीं हुई। क्यों? बोले धर्म का आचरण करने के कारण, अपने अपने स्वधर्म का पालन करने के कारण जीवन में कभी किसी को दुख और पीड़ा नहीं हुई। नबातजम भयम किंचिन, नचाग्निजम भयम किंचिन, नापसु मज्जन्ति जंतवा। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। आज जैसे समाचार में सुनते हैं फला शहर में फला बिल्डिंग में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट, आग लग गई, करोड़ों का नुकसान हो गया, इतने दमकल पहुंचे और इतने घंटों बाद अग्निशमन दल ने जो है काबू पाया। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। क्या व्यवस्था रही होगी सोचो, 11,000 वर्ष तक किसी के घर में आग नहीं लगी। यहां तक कि किसी का फूस का घर हो वहां भी आग गिर जाए तो अग्नि ही शांत हो जाती, घर नहीं जलता। नचाग्निजम भयम, किसी को अग्नि का भय नहीं था। नाप सुमज्जन्ति जंतवः, राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कोई व्यक्ति पानी में डूब करके कभी नहीं मरा। छोटे छोटे बच्चे सरयू जी में चले जाएं और पूरी सरयू जी में खेल करके चले आवे, चाहे जहां पानी में खेल करके चले आवे, जल के अंदर साहस नहीं कि उनको डुबो दे। धर्म का यह प्रताप था। इसीलिए हमारे आचार्यों ने ऋषियों ने कहा धर्म ही सबकी रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। न बंदूक से किसी की रक्षा होती है, न किसी शासन तंत्र से किसी की रक्षा होती है, न किसी कानून से किसी की रक्षा होती है, धर्म ही सबकी रक्षा करता। और धर्म के दायरे में रह करके शासन कानून और तंत्र जब चलता है तभी प्रजा का संपूर्ण हित होता है, यह सिद्धांत है।